हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपने परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया था बायो सावर्ट के रूल को यूज करते हुए। आज अपनी क्लास है वो परिमित की बजाय क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आज अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, स्टेट करंट कैरिंग वायर होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ का है। और अपन जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो क्या था, फाइनाइट लेंथ का था। आज अपन क्या लें, इनफाइनाइट लेंथ, मतलब कितनी भी लंबाई हो सकती है। जैसे मान लो कि अपन ने कोई वायर ले लिया ऐसे डेस 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 करके, यहाँ से कहीं से भी आ रहा है भाई, इनफाइनाइट का तो अपन क्या लेंथ मान लें, ऐसे डेस डेस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये एक समझने का तरीका, आप भी जानते हो इनफाइनाइट में क्या माइनस क्या प्लस, लेकिन समझने का तरीका। यहाँ से अपन कहीं डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, और जहां पर क्या याद करना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि अपने क्या माना है कि अपने कहते भाई कि यदि 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 धारावाही चालक तार, यदि धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, लंबाई का है, तो इसके दोनों सिरों का कोई अंत थोड़ी है, ठीक है, है तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति में, स्थिति में इसके दोनों सिरे, इसके दोनों सिरे, दोनों सिरे असीमित दूरी पर होंगे, इसके दोनों सिरे असीमित दूरी पर होंगे, असीमित दूरी पर होंगे। भाई कोई पता नहीं भाई कहां पर होंगे, दूरी पर होंगे, असीमित हो गया कि आपका ये इधर वाला जो एक्स वाई आप सिरे लेके चलते थे, उनको कहते कि इनकी डिस्टेंस है क्या, कोई अपन काउंटिंग नहीं है कि ये कहाँ पर होंगे, तो मैंने कहते क्या कह दिया कि ये दोनों सिरे क्या होंगे, असीमित दूरी पे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता नहीं कहाँ पर होंगे। अब जब दोनों सिरे असीमित दूरी पर होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये सिरा पता नहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कहाँ है और ये सिरा कहाँ है, तो रिजल्ट ये होता है कि इनके कारण अगर बिंदु पी पर कोण जो बढ़ेंगे, भाई जहाँ पर से जो कोण अपन देखो उसमें फाइव वन और फाइव टू मान रहे थे, तो इसके कारण बनने वाले कोण है वो दोनों बिंदु पी पर क्या बनाएंगे, दोनों कोण बराबर बनेंगे और 90 डिग्री मानते हैं। तो अपन कहते इस स्थिति में, इस स्थिति में, स्थिति में तार के दोनों सिरे, तार के दोनों सिरे, दोनों सिरे बिंदु पी पर, बिंदु पी पर समान कोण अंतरित करेंगे, समान कोण अंतरित करेंगे तथा वे पाई बाई टू मान के होंगे। मतलब फाई वन और फाई टू है वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि फाई वन एंगल फाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल फाई टू, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई टू। ये शर्त होती है इनफाइनाइट लेंथ की कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर तार इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस स्थिति में जो ये पॉइंट पी है तो इनके दोनों सिरे एक्स वाई जो सिरे हैं, मान लो इसको इधर वाले को अपन एक्स मान ले, इधर क्या मान ले, वाई मान ले, तो ये दोनों सिरे हैं, ये जो कोण यहाँ पर अंतरित कर रहे हैं वो क्या बनाएंगे, पाई बाई टू। तो ये यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे, पाई बाई टू। तो अपन कहते हैं कि ये आपका इधर कौन सा था, फाई वन, ये भी क्या होगा, पाई बाई टू, और ये कोण जो बनेगा बिंदु पी पर ये भी क्या होगा, फाई टू इज इक्वल टू पी पाई बाई टू, ठीक है, और ये आपका पॉइंट पी है, ये दोनों कोण इक्वल बनेंगे। अब देखो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखो अतः, अतः बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, अब इसमें देखो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, चुंबकीय क्षेत्र,
जो अपन ने परिमित वाला जो सिस्टम कैलकुलेट किया था परिमित तार के कारण, उसके अंदर फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या था, परिमित का क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी और साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये तो कैलकुलेट किया था अपने। अब आप भी जानते हैं फाइव वन बराबर फाइव टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो देखो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू। ठीक है, अब साइन पाई बाई टू की वैल्यू तो आप सारे जानते हो कितनी होगी, एक, एक होगी तो एक, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी और इसमें आ गया वन प्लस वन, तो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी। ये आपका इनफाइनाइट लेंथ की स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वन प्लस वन टू हो गया, अगर टू से तो टू कैंसिल कर देंगे, ये क्या बच जाएगा म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा अलग से कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, वायर की लेंथ क्या है इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में इनके दोनों सिर से आपके बिंदु P पर जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उनके द्वारा बने हुए जो कोण फाई वन और फाई टू है वो इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी पाई बाई टू। ये कन्फर्म है तो अपने जो फाइनाइट लेंथ वाला, जो फाइनाइट लेंथ का वायर लेकर अपन ने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर फाई वन और फाई टू की वैल्यू क्या रख दो पाई बाई टू और उससे रिजल्टेंट आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो कुछ स्पेशल केस होते हैं कि अपन विशेष स्थितियां बनती है तो उनकी बात करें तो विशेष स्थितियां और क्या क्या कंडीशन हो सकती है उनकी और बात कर लें, विशेष स्थितियां। ठीक है, इसमें जैसे सबसे पहली बात करें अपन, पहली है जब तार सीमित लंबाई का हो, जब तार सीमित लंबाई का हो, लंबाई का हो तथा बिंदु P किसी एक सिरे के सामने हो, एक सिरे के सामने हो, के सामने हो, मतलब इन्हें कहते हैं कि तार तो परिमित लंबाई का, मान लो ये तार हो गया आपका X और Y, ये आपका तार हो गया परिमित लंबाई का है, इसमें को करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, साथ में क्या कहा, जब तार सीमित लंबाई का है मतलब कोई भी लंबाई का होगी, ठीक है, और बिंदु P है वो किसी एक सिरे के सामने हो मतलब X के सामने है, मान लो यहाँ बिंदु P है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी D और ये बिंदु क्या हो गया P। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है, आप देखो आप ऐसी कंडीशन है कि तार तो परिमित लंबाई का है और आपका बिंदु P है वो किसी एक सिर X के साइड में भी उसके सामने भी हो सकता है या Y के सामने भी हो सकता है, किसी एक सिर के सामने हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आप यहाँ से आपके Y द्वारा ये कोई एंगल बनेगा, यहाँ पर आकर P पर कोई अंतरित कोण होगा उसको अपन क्या मान लें, कोई फाई कोण है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फाई वन इज इक्वल टू तो क्या आ गया फाई तथा फाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो डिग्री, क्यों, क्योंकि वाई शीर्ष तो कौन सा कोण बनाता था फाई वन और एक्स शीर्ष कौन सा बनाता था फाई टू, तो जब एक्स के सामने तो बिंदु पी हो ही गया तो इस कंडीशन में एक्स के कारण तो यहां पर बिंदु जो बनने वाला कोण है उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी जीरो डिग्री और वाई के कारण बनने वाले कोण को अपन ने क्या मान लिया फाई मान लिया, तो अपने वो करना कुछ नहीं, वही बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी 4πd। ठीक है, और उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा साइन फाई ये आ जाएगा, अपने फाई वन की जगह तो क्या रख दिया फाई और फाई टू की जगह क्या रख दिया जीरो डिग्री, तो आपका b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4πd साइन फाई आ गया। अगर मान लो इसी के अंदर अपन बात करें कि तार है वो अनंत लंबाई का भी तो हो सकता है, तार क्या हो सकता है अनंत लंबाई का, अगर अनंत लंबाई की कंडीशन आ जाए तो अपन क्या कहते हैं,
अनंत लंबाई की स्थिति में, लंबाई की स्थिति में क्या होगा? फाइव टू तो जीरो ही रहना है, लेकिन फाइव वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई टू, और फाइव टू क्या हो जाएगा? जीरो डिग्री। भाई जब जिस शीर्ष के सामने, एक्स वाले शीर्ष के सामने, तो ये तो जीरो डिग्री रहना है, लेकिन जो आपका वाई शीर्ष जो फाई कोण बनाता है उसकी वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई टू। क्यों? क्योंकि अनंत की स्थिति में उनके शीर्ष द्वारा बिंदु पी पर बना हुआ कोण किसके इक्वल होता है? पाई बाई टू। ठीक है, तो उस स्थिति में बी इज इक्वल टू क्या जाएगा? देखो, म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी, और ये हो गया साइन पाई बाई टू प्लस साइन जीरो। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी। ये आपका आंसर है। कब? जब अगर तार क्या हो, अनंत लंबाई की कंडीशन का हो। तो ये पहले वाली स्थिति है कि जब बिंदु p किसी एक तार के शीर्ष के सामने रखा हो। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी कंडीशन, तार की लंबाई निश्चित है। तार की लंबाई निश्चित है, मतलब परिमित है, ये तो फिक्स है, निश्चित है। और साथ में क्या कर रहा है? तथा बिंदु P, तथा बिंदु P, P तार के लंब अर्धक पर, बिंदु P तार के लंब अर्धक पर स्थित है। लंब अर्धक, लंब अर्धक पर स्थित है, मतलब बीच में से दूरी बराबर आने वाली है उसके दोनों से। देखो जैसे ये तार ले लिया, ठीक है, ये आपका सिरा x हो गया, ये क्या हो गया y, ये यहां से मान लो बिंदु आपका P है, तो लंब अर्धक होगा। तो उस कंडीशन में आप जान, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस सेम होगी, तो आपके y और x द्वारा बने हुए कोण की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। ये हो गया आपका फाइव वन, ये क्या हो गया? फाइव टू। तो यहां पर क्या होगा? फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू। लंब अर्धक की कंडीशन में दोनों कोण की वैल्यू क्या होती है? सेम होगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या मान लें अपन? फाइव। भाई लंब अर्धक होगा तो दोनों कोण फाइव वन और फाइव टू बराबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो अब बताओ आपकी वैल्यू क्या आएगी? बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई टी। अब साइन फाइव वन की जगह भी कौन आ गया? फाइव। और साइन फाइव टू की जगह भी क्या आ गया? फाइव। तो साइन फाइव प्लस साइन फाइव साइन टू फाइव हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी टू साइन फाइव। ठीक है, टू से आप यहां से कैंसिल कर दें, तो आपका इसका आंसर क्या लिख सकते हो? बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी साइन फाइव, ये लिख सकते हैं। लेकिन लंब अर्धक की स्थिति में ही फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू इक्वल होगी, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो लंब अर्धक की भाई अपने यहां पे स्थितियां ले रहे हैं कि भाई ऐसी कंडीशन हो तो क्या हो, ऐसी कंडीशन की हो तो क्या हो, तो लंब अर्धक की स्थिति में ऐसा होगा। अब अपन एक थर्ड कंडीशन और है, ये भी अच्छी है, थोड़ा सा क्या होता है, वैसे तो इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अगर अपने डिस्कस की हुई नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने उस चीज़ को पढ़ते तो अपने क्या इमेज नहीं कर पाते कि कहाँ पर है बिंदु पी, अपन कैसे समझे, और अपना आंसर गलत हो जाता है। अगर अपनी वेराइटी जैसे क्वेश्चन की वेराइटी हुई या टॉपिक डिस्कस है आपका देखा हुआ है, तो जैसे ही वो अगला कोई कंडीशन बोलेगा आप पढ़ते ही आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। अगला कह रहा है तार की लंबाई निश्चित है, तार की लंबाई निश्चित है, निश्चित है, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है? निश्चित है तथा बिंदु P, तथा बिंदु P, P तो यदि मतलब निश्चित है तथा बिंदु P धारावाही चालक की अक्षीय स्थिति पर है, बिंदु P धारावाही चालक की अक्षीय स्थिति पर है, चालक की अक्षीय स्थिति पर है, स्थिति पर है। मतलब क्या हुआ कि आपका P पॉइंट है वो जिस X पर आपका धारावाही चालक तार रखा है उसी पर है,
अब आप भी जानते हो कि धारावाही चालक का एक्स ओ के ऊपर ही अगर बिंदु पी है तो कोण बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फाई वन और फाई टू दोनों एंगल तो क्रिएट ही नहीं होंगे भाई। जैसे मान लो ये तार रख है, ये आपका तार है, इसी पर बिंदु पी है, तो एंगल कहाँ से बनेंगे? एंगल तो बन ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आपका एंगल क्रिएट तो होगा नहीं, तो अपन कह देंगे फाई वन बराबर जीरो तथा फाई टू बराबर भी क्या होगा? जीरो। एक्सीय कंडीशन में तो दोनों कोण की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और जब दोनों की जीरो हो जाएगी तो बी इज इक्वल टू भी क्या जाएगा? जीरो। तो एक्सीय वाली कंडीशन के अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या जाएगी? जीरो। ठीक, ये छोटी छोटी स्थितियां थी। तो आज अपनी क्लास थी, उसके अंदर क्या था, अपने वायर लिया था इनफाइनाइट लेंथ का। हमने कहा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर का अगर कोई धारावाही चालक तार है, उसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहे, तो उस कंडीशन पर हम बात कर रहे हैं कि उस स्थिति में क्या होगा, इस चालक तार के दोनों शीर्ष हैं वो अनंत दूरी पर होंगे, और उन शीर्षों द्वारा बिंदु पी पर जो कोण बनेगा या क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? पाई बाई टू होगी। इस कारण फाई वन और फाई टू दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों का मान कितना होगा? पाई बाई टू। तो जब दोनों का बराबर हुआ तो अपने क्या कहा कि जो आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ था परिमित लंबाई वाले के कारण फाई वन और फाई टू, उसके अंदर दोनों की वैल्यू पाई बाई टू पाई बाई टू रखती, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन टू पाई टी। ठीक है, इसमें कुछ नया आपने को करना नहीं, बस नई चीज़ ये थी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दोनों के द्वारा बनने वाले कोणों की वैल्यू कितनी है? पाई बाई टू। ठीक है, फिर अपने कुछ कंडीशन ली, हमने कंडीशन में क्या पढ़ा, हमने कहा पहली कंडीशन है कि यदि मान लो ऐसा हो जाए क्या कि तार तो परिमित लंबाई का है और आपका बिंदु है वो किसी तार के किसी एक सिरे के सामने रखा हो, चाहे एक्स के सामने रखा हो वाई के सामने रखा हो, तो जिस सिरे के सामने रखेगा वो सिरा तो उस बिंदु पर कोई कोण बना नहीं सकता, और दूसरे वाले सिरे के द्वारा बना हुआ कोण अपन क्या बना, तो इस कारण अपन जैसे इसमें एक्स के सामने रख दिया तो एक्स के द्वारा बना हुआ कोण तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाई टू की वैल्यू तो हो गई जीरो, और एक्स आपके वाई द्वारा इस पर बना हुआ कोण क्या मान लिया? फाई मान लिया। तो बी इज इक्वल टू अपना फाई वन और फाई टू की जगह दोनों की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया म्यू नोट आई फोर पाई डी इंटू साइन फाई। साथ में हम इस चीज़ को आगे और कहा, हमने कहा कि जरूरी थोड़ी है परिमित अनंत लंबाई का तार और फिर ऐसा हो जाए कि उसके एक सिरे के सामने बिंदु रखा हो, तो जिस सिरे के सामने बिंदु रखा है उसके सामने तो उसके द्वारा तो बना हुआ कोण तो जीरो डिग्री रहना है, लेकिन जो दूसरा शीर्ष कोण बना रहा था उसकी वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि अनंत की स्थिति में कोण की वैल्यू क्या मानते हैं अपन? पाई बाई टू। तो अपनी ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर कंडीशन ले ली हमने, कहा तार की लंबाई परिमित है और बिंदु पी है वो उसके लंब अर्धक पर स्थित है, मतलब तार के बीच के, मतलब यहाँ से बिंदु पी से तार के दोनों शीर्षों की दूरियाँ क्या है? समान है। ठीक है, समान है, तो उस स्थिति में आप भी जानते हो कि इन दोनों के द्वारा बनाए गए कोण का वैल्यू भी क्या होगी? समान। तो हमने कहा फाई वन और फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? समान, और इसको क्या मान लिया अपन ने? फाई। और फाई वन और फाई टू की जगह फाई रख के हमने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। और लास्ट कंडीशन कह दी कि तार परिमित लंबाई चालक तार है या अपरिमित हो कोई फर्क नहीं पड़ना, और लेकिन बिंदु पी है वो उसी एक्स पे रखा है जिस एक्स पे आपका धारावाही चालक तार रखा है, तो धारावाही चालक तार के एक्स पर अगर बिंदु पी स्थित है तो उस कंडीशन में उसके दोनों शीर्षों द्वारा उस पर कोई भी कोण क्रिएट नहीं होगा, कोई कोण बन नहीं पाएगा, इस कारण फाई वन और फाई टू की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? साइन फाई वन भी जीरो हो गया, साइन फाई टू भी जीरो हो गया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये आज अपनी क्लास थी। ठीक, अब देखो मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, आप उसके क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, आज का क्वेश्चन है किसी बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय प्रेरण का मान, अधिकतम चुंबकीय प्रेरण कह दो या चुंबकीय क्षेत्र कह दो, किसी बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय प्रेरण का मान प्राप्त करने के लिए बिंदु का धारा अल्पांश के सापेक्ष स्थिति सदिश धारा की दिशा से कोण बनाएगा, ए पाई, बी जीरो डिग्री, सी पाई बाई फोर और डी पाई बाई टू। आप
क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में जरूर बताया। देखो अपन ने जो पढ़ा उसी पर आधारित है न्यूमेरिकल, इस कारण आप इसको सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में जरूर दें, तो उससे क्या होगा कि भाई हमारा प्रयास भी सफल होता है और आपको भी वही ध्यान रख पड़ता है कि अपने क्लास लिए हुआ कोई बेनिफिट है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।